नेटफ्लिक्स पे कम से कम 5 वेब सीरीज रिलीज होती है हर हफ्ते, जिनमें से कम 3 वेब सीरीज हिंदी में डब होती है। इस हिंदी डब वेब सीरीज के बड़े से समंदर में हमारे टाइप की कौन सी है? हर वेब सीरीज को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से 30 सेकंड से 60 सेकंड्स का टाइम मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या वो आपकी टाइप की है या नहीं, और क्या हम हमारे फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको टोटल 8 पार्ट्स मिल जाएंगे हिंदी डब नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के। कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आप कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 नेटफ्लिक्स हिंदी डब वेब सीरीज पार्ट 8। वाइफ के डेथ के पीछे एक गहरा राज छुपा है और अपना हीरो इस राज को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे डार्क सीक्रेट में घुसते चले जाता है जिसे उसे किसी भी हाल में एक्सपोज करके अपना रिवेंज लेना है। दो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ फुल ऑन थ्रिलर हाल ही में रिलीज हुई हिट एंड रन। स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर कर दूं, सीरीज स्लो है, उनके लिए बिल्कुल नहीं जिन्हें फटाफट ट्विस्ट एंड टर्न क्लाइमेक्स पसंद हो। स्लो पेस की वजह से अगर आपका लिंक टूट गया तो आपको स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन न्यूयॉर्क से इसराइल जो स्टोरी घूमती रहती है मुझे जेसन बॉर्न मूवी सीरीज की याद आ गई। लेकिन वो 2-2 घंटे की मूवी थी, 9 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ईच। फॉर द वेब सीरीज के सभी फैंस के लिए जिन्हें एक एंगेजिंग और एक्शन थ्रिलर पसंद हो और नार्कोस जैसी वेब सीरीज पसंद, आपको थोड़े एक्सपेक्टेशंस कम रखने होंगे स्लो पेस की वजह से। सीरीज में कुछ जगहों पे एडल्ट सीन्स और बहुत ज्यादा वायलेंस भी है। दो पैरेलल कहानी एक साथ चलते हुए सीरीज आपको एंड तक एंगेज करके जरूर रखेगी। इस्तांबुल की जमीन में छुपा है एक डार्क सीक्रेट, एक ऐसी गुफा जिसका राज जुड़ा है अतीत की पेंटिंग और उसकी लाइफ से। एक ऐसी टर्किश फैंटेसी ड्रामा जो आपसे थोड़ा टाइम जरूर मांगेगी लेकिन आपको हर एक एपिसोड के एक एक मिस्ट्री को अनफोल्ड करके पूरी तरह सेटिस्फाई करेगी। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 3 सीजन्स द गिफ्ट। हर राज बाहर आने का मौका ढूंढता रहता है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी जो स्टोरी टेलिंग में इन्होंने यूज किए बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो थोड़े बहुत ग्राफिक्स यूज किए वो बिलीवेबल लगते हैं। कहानी बहुत ही सिंपल और एकदम स्मूथ तरीके से चलती है। अगर आपको माइथोलॉजी या आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये आर्टिस्टिक वेब सीरीज आपको जरूर हुक करके रखेगी। नेगेटिव की अगर बात करें तो सीजन 2 और 3, फर्स्ट सीजन में इतना हाई लेवल सेट कर दिया है, आगे के सीजन किसी भी एंगल से जस्टिस नहीं देते। थर्ड सीजन तो पूरी तरह जबरदस्ती बनाया हुआ लगता है। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग फर्स्ट सीजन, तो मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा। सीरीज में मुझे कुछ एक्सट्रीम वायलेंस या डिस्टर्बिंग सीन्स नहीं दिखे। सेक्सुअल सीन स्टार्ट होने के पहले ही कट हो जाता है, इसलिए आप इसे फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। निक ब्रूवर को किडनैप करके एक वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया है जिस वीडियो के 5 मिलियन होते ही वो मर जाएगा। पूरी फैमिली, शहर के डिटेक्टिव सब पीछे लग गए हैं इसके पीछे छुपे डार्क सीक्रेट को जानने के लिए। क्या निक इनोसेंट है या गिल्टी, ये सवाल आपके दिमाग में घूमता रहेगा, जो काफी है इस मिनी सीरीज को आपको एक बार में ही खत्म करने के लिए। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई फुल ऑन थ्रिलर ड्रामा क्लिकबेट, 48 आवर्स के अंदर इसके पीछे छुपे मास्टरमाइंड को ढूंढना। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो आप स्क्रीन से हटोगे ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और उनके प्रेजेंट में हो रहे अप्स एंड डाउन जो मेन मुद्दे से हमें भटकाती है। फिर मैं ही इतना ज्यादा एंगेज हो चुका था, मुझे बस ये जानना था कि ये इनोसेंट है या गिल्टी। सिर्फ 8 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच। सीरीज के सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग से आप पहले एपिसोड से ही कनेक्ट हो जाओगे। कुछ जगहों पे वायलेंट और सेक्सुअल सीन्स भी है, लेकिन अगर आपके अंदर भी वो डिटेक्टिव वाला कीड़ा है तो ये सीरीज आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। 4 की सीरीज भाई साहब, हर साल एक ऐसी वेब सीरीज आती है जो क्राइम थ्रिलर का डेफिनेशन बदलती है। शहर के अलग अलग कोने में ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, किसी का हाथ गायब है तो किसी का पैर। ये मर्डर अपने सिग्नेचर की तौर छोटा सा चेस्टनट मैन छोड़ के जाता है क्राइम सीन। पहले केस में पहला हाथ कटा और अब दूसरे केस में दूसरा हाथ, और वहां से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जो आपको बिना बोर किए एंड में आते आते पूरी तरह शॉक और सरप्राइज कर देगी। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में हिंदी में डब हुई द चेस्टनट मैन। स्पेशली उनके लिए जो बहुत सारी डिटेक्टिव और क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, आपके दिमाग में जितने भी सवाल है सीरीज आपको बताने से पहले आप ढूंढना शुरू कर देते हो। और लॉजिक की तो मैं क्या ही बात करूं। एक डिटेक्टिव को अपने घर में कलर करना है तो पुराने न्यूज़पेपर लाता है, उसमें से उसको एक क्लू मिलता है, ना कि हवा में से उड़ते हुए कोई न्यूज़पेपर आके उसके मुंह पे लगता है। ये छोटी छोटी चीजें वेब सीरीज को रियल बनाती है। बस नेगेटिव में बता नहीं सकता, वो स्पॉइलर हो जाएगा, अगला सीजन आएगा या फिर 6 एपिसोड में ही सीरीज खत्म होगी, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। बस आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आपको कोई नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज पसंद आती है तो उसे तुरंत लाइक क्लिक कर देना। यूट्यूब की तरह ही आपको और भी वैसे ही सजेशंस नेटफ्लिक्स देता है, और ऐसे ही मुझे ये वेब सीरीज मिली। सीरीज में एडल्ट जैसा तो कुछ ज्यादा था नहीं, विजुअली डिस्टर्बिंग है की वजह से, अगर वो चलेगा तो फैमिली के साथ तो 100% देख सकते हैं। अगर हमारी सोच क्वालिटी कंटेंट पे कहीं मैच होती है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए।
अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो से एलिट वेब सीरीज देखी और वैसे टाइप की एकदम हरामी और 18 प्लस वेब सीरीज आपको चाहिए, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ यंग रॉयल्स। सीरीज ने मुझे द क्राउन की याद दिलाई, इतनी रियलिस्टिक कि आपको लगेगा कि बड़े घरों में ऐसा ही होता है। स्वीडिश के रॉयल घराने से प्रिंस को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। शाही घराना, अमीर गरीब, फैमिली की इज्जत, लोग क्या कहेंगे, अरे बाप रे, फुल ऑन ड्रामा। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ यंग रॉयल्स। वेब सीरीज हमारी सोच से पर्दा उठाती है। अमीर घर के यंग लोगों की लाइफ जितनी आसान और सिंपल लगती है उतनी है नहीं। नाम के लिए आजादी, हर किसी के सामने एक अलग चेहरा, ये सबका एक कॉकटेल है ये सीरीज। टीनेज सीरीज है लेकिन फिर भी सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग से आपको सब बिलीवेबल लगता है। लीड एक्टर विलियम है, ओ भाई साहब, उसके अंदर तो आप अपने आप को फील करते हो। ज्यादा नहीं, बस पहले एपिसोड के बाद ही आपको समझ आ जाएगा ये वेब सीरीज स्टोरी टेलिंग कितनी ब्यूटीफुल तरीके से करती है। बस प्रॉब्लम है, एक कैरेक्टर है जो बहुत ही अनोइंग है, उसे मैं तो बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था। सिर्फ 6 एपिसोड्स, 45 मिनट्स ईच, आप एक बार में ही खत्म कर सकते हो और सेकंड सीजन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। साउथ कोरिया ने हर एक डिपार्टमेंट में हमें इंप्रेस करने की ठान ली है। एक होती है वेब सीरीज और एक होती है कोरियन वेब सीरीज। दोनों में फर्क है क्वालिटी कंटेंट का। कहानी कितनी भी सिंपल हो, कोरिया का प्रेजेंटेशन, की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी कोई मैच नहीं कर सकता। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में हिंदी डब की गई क्राइम कॉमेडी ड्रामा का कॉकटेल विंसेंजो। मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। सीरीज का एक एपिसोड मूवी के बराबर है। 1.5 घंटे एक एपिसोड की तरह नहीं लेकिन मूवी की तरह दिखाई है। 20 एपिसोड्स, कम से कम 24 आवर्स की सीरीज है, जहां आपको विंसेंजो का करिश्मेटिक एटीट्यूड और वो कोरियन ड्रामा का टिपिकल हर एक छोटी चीज को सिनेमैटिक वे में दिखाना, एक कैरेक्टर दूसरे को पेन भी दे रहा है तो वो भी 4 अलग कैमरा एंगल से। इन शॉर्ट, हर एपिसोड में एक ऐसा टाइम आता है जहां सीरीज स्लो हो जाती है, उसकी भरपाई इसके कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी, एकदम दबा के पैसे खर्च किए। लेकिन मानना पड़ेगा यार, स्टोरी टेलिंग के लिए इतना डेडिकेशन और ऊपर से परफेक्ट हिंदी डबिंग, एक टाइम के बाद तो ये इंडियन वेब सीरीज लग रही थी मुझे। बस वीक पॉइंट जो मुझे लगी इसकी कॉमेडी, ऑलमोस्ट सभी जोक्स बाउंसर जा रहे थे मुझे। शायद कोरियन कल्चर का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद परफेक्ट बिंज वॉच वेब सीरीज है। एक दो सिडक्टिव सीन के अलावा कोई एडल्ट सीन नहीं है, फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। नंबर 1 की सीरीज, भाई साहब धमाका कर दिया इसने। Let's get money, motherfucker, get money. अब तक की ओनली वेब सीरीज जो मेरे पूरे फैमिली को पसंद आई है। हर दूसरे सर्वाइवल मूवी या वेब सीरीज की स्टोरी, लेकिन साउथ कोरिया की प्रेजेंटेशन मान गया। मजा ले किसी की, एक एपिसोड देख के बंद कर दे इसे। Let's get money, motherfucker, get money. बस एक जगह पे टॉयलेट में सेक्सुअल सीन्स है, उसके अलावा ब्रूटल वॉयलेंस और फुल ऑन नॉन स्टॉप, हर एपिसोड पे एक नया गेम, कोई दूसरा मौका नहीं, एक गलती और आदमी खत्म। 2021 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जबरदस्त हिंदी डबिंग सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में आपका कौन सा फेवरेट गेम था हमें कमेंट में जरूर बताइए। और भी कुछ हटके हिंदी डब वेब सीरीज के लिए राइट वाले वीडियो को क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को। अगर आप हिंदी डब वेब सीरीज की लिस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो एम करते हैं 18K लाइक्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए।